हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट फाइव सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फोर में हम लोग सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ चुके थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट फोर नहीं देखे तो आप पार्ट फाइव नहीं देखे, पहले पार्ट फोर देख करके ही पार्ट फाइव देखना स्टार्ट करें। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट फोर आप देख सकते हैं, फिर पार्ट फाइव देखना स्टार्ट करें। तो आप हेडिंग लगा दें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कम सेंटर, परिकेंद्र पर आधारित प्रश्न। जो भी हम परिकेंद्र का कंसेप्ट पार्ट फोर में हम पढ़ चुके, उसी कंसेप्ट के आधार पे आज हम कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनर ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ सर्कम सेंटर। इनर ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र है। इफ एंगल बीओसी बराबर 150 डिग्री, यदि कोण बीओसी बराबर 150 डिग्री, देन फाइंड एंगल बीएसी, तो कोण बीएसी का मान आपसे पूछा गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया इनर ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहें तो डायग्राम के बिना भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के ही सॉल्यूशन कर देते हैं। कह रहा ट्रायंगल ए बी सी में ओ इज अ सर्कम सेंटर। ओ कैसा बिंदु है? ओ परिकेंद्र। ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर 150 डिग्री। एंगल बी ओ सी बराबर दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। तो आपसे ये एंगल कोण बी ए सी यानी ए के बारे में पूछा गया है, ए कितना होगा ये आपको बताना है। आप मुझे बताइए, केंद्र पे जो भी बनता है सर्कम सेंटर, याद है पार्ट फोर में हम पढ़ा चुके, किसी जीवा से ये वृत्त का बी सी एक जीवा हो जाता था, और इससे क्या होगा, ये हाफ होगा, आधा होगा, इससे क्या होगा, ये आधा होगा। तो 150 का आधा कीजिए कितना होगा, 75। तो ये एंगल कितना होगा, 75 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। अगर आप डायग्राम बना के नहीं सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप पढ़े हुए कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, जो यहां नहीं होता है वो यहां होता है कोण ए। ठीक है, कोण ए मतलब बी ए सी। ठीक है, कोण बी ओ सी का वैल्यू कितना गिवेन है, कोण बी ओ सी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवेन है, 150 डिग्री गिवेन है, ट्वाइस ऑफ कोण ए। अब कोण ए यहां रहने देंगे, अब ये क्रॉस में आएगा तो क्या होगा, दो से डिवाइड करेगा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है इनर ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र है। ठीक है, इफ कोण ओबीसी, यदि कोण ओबीसी बराबर 35 डिग्री हो, देन एंगल बीएसी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बीएसी का मान आपसे पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इनर ट्रायंगल एबीसी, तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या कहा है, ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र है। इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स इस शीर्ष को बी और इस शीर्ष को सी मान लेते हैं। ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र है, तो मान लेते हैं कोई केंद्र कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं ये क्या है, ओ परिकेंद्र। अब आपसे पूछा गया, दिया हुआ है कि कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी, ओ बी सी, इट मीन्स ये एंगल का मान 35 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है बी ए सी, इट मीन्स ये वाला एंगल आपको निकालना है कितना होगा, ये आपको गिव निकालना है। अब मुझे बताइए, जिस प्रकार ओ से बी मिला है, क्या हम ओ से सी मिला दें? अगर हम ओ से सी मिला दें, तो अगर ये सर्कम सेंटर है, यदि ओ सर्कम सेंटर है, तो क्या ये केंद्र से, परिकेंद्र से, क्या ये शीर्ष की दूरी ओ बी और ओ सी समान होगा क्या? आप याद कर ज्योमेट्री पार्ट फोर में
क्या ये समान होगा? क्या यही आर और यही आर सर्कम रेडियस होगा क्या? ज्योमेट्री पार्ट फोर में हम पढ़ चुके, ओ बी बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा क्या? आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक खास बात है, समद्विबाहु त्रिभुज का आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होगा। ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। सामने वाले भुजाओं का कोण बराबर होता, आमने सामने वाले भुजाओं का कोण, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये आर है तो इसके सामने कोण, ये कोण होगा क्या? इस आर के सामने ये कोण होगा क्या? ये बराबर होगा, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। इसके सामने 35 हो तो इसके सामने भी क्या होगा? 35 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल क्या 35 डिग्री होगा क्या? हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए, ट्रायंगल बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, बस इतना ही देखिएगा, त्रिभुज बी ओ सी को देखिएगा। त्रिभुज में, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण 35 है, ये कोण 35 है, तो ये पता चल जाएगा क्या, ये कितना है, ये पता चल जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण का योग दिया हुआ, दो कोण दिया हुआ, तो उस दोनों को जोड़ ले, 180 से माइनस कर ले। अगर हम 35 और 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और 35 70 होगा क्या? 70, 180 माइनस 70 करेंगे तो ये कितना होगा? क्या ये कोण, ये जो कोण है वो क्या 110 डिग्री होगा क्या? 110 डिग्री होगा। अब ये 110 होगा तो ये कितना होगा? ये क्या उसका हाफ होगा क्या? आधा होगा। और ये हाफ होगा तो कितना हो जाएगा? हाफ होगा तो ये आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण बी ए सी बराबर कितना, तो आंसर होगा 55 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पॉइंट आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, बिंदु आई और ओ क्रमशः अंतःकेंद्र और परिकेंद्र है। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए, कोण ए का एडी समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है? एंड इंटरसेक्ट साइड बीसी एट डी, जो भुजा बीसी के डी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। एंड मीट सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट ई, वही लाइन जो है त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त ई पर जाकर मिल जाता है। अब क्वेश्चन में गिवन, इफ एंगल एबीसी बराबर एक्स डिग्री, एंगल बीआईडी बराबर वाई डिग्री, एंड एंगल बीओई बराबर जेड डिग्री, देन जेड प्लस एक्स बटा वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, आपसे बताना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी, इस वर्टेक्स को ए मान लेते हैं, इस वर्टेक्स शीर्ष को बी और इस शीर्ष को सी मान लेते हैं। कह रहा है इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, आई अंतःकेंद्र, ओ परिकेंद्र है। आगे लिखा है कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए, कोण ए का एडी बाइसेक्टर है। तो चलिए हम, कोण ए का बाइसेक्टर है कौन? एडी, जो भुजा बीसी के डी बिंदु पर मिलता है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए डी, और ये बाइसेक्टर है, तो कोण ए को कितने भागों में बांटेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा क्या? कह रहा है कोण एडी, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए, एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। अब कह रहा है क्या कि एडी को जब आगे मिलाया गया तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त ई पर जाकर मिलता है। तो एक परिवृत्त हम बना लेते हैं, जो वैसा वृत्त बना लेते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर क्रॉस करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। अब हम
इस डी को आगे बढ़ाते हैं जो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त ई पर मिलता है, तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ई, क्वेश्चन में गिवन है इस पॉइंट को ई। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि इफ एंगल एबीसी बराबर एक्स डिग्री, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी ये एक्स डिग्री, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है ये है, ये कोण कितना है, ये कोण एक्स डिग्री है, यहां लिखते हैं ठीक है, ये x डिग्री है। क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि बी आई डी बराबर y डिग्री, बी आई डी। अब मुझे ये बताइए कि i एंड o नहीं माने हैं, i आप किसी पॉइंट को मान लीजिए, क्योंकि i आप मानेंगे AD पे ही मानेंगे, अंतःकेंद्र जब भी होगा तो वो कोण समद्विभाजक पर भी होगा, तो हम इस पॉइंट को i मान लेते हैं और इस पॉइंट o कहीं पे मान लेते हैं, मान लेते कि ये o है सरकम सेंटर, ओ क्या है यहां पे, ओ है सरकम सेंटर। आप क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट कह दिया कि एंगल बी आई डी बराबर वाई डिग्री, एंगल बी आई डी, ये बी आई और डी, ये कोण जो है ना, ये कोण ये दिया हुआ है वाई डिग्री दिया हुआ है, ये कोण का वैल्यू बी आई डी, कोण बी आई डी वाई डिग्री दिया हुआ ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोण बी ओ ई बराबर जेड डिग्री, कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितना है z डिग्री, कोण BOE कितना है, कोण BOE है z डिग्री, BOE ये जो है ना ये z डिग्री गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है z प्लस एक्स बटा वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। आप मुझे पहले ये बताइए कि कुछ पॉइंट आप मुझे पहले बता दीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये एक सर्कल मान लेते हैं ठीक है, और ये क्या है जीवा है, ए बी, ए बी क्या है कोड है। आप इस कॉर्ड से, इस जीवा से केंद्र पर एक एंगल बना दिए, इसी जीवा से हम सरकम पर एक एंगल बना, यानी परिधि पे बना दिए, तो इसका इसका रिलेशन क्या होगा, ये टू थीटा होगा, तो ये क्या होगा थीटा होगा, इससे ये आधा होता है, इससे ये केंद्र पर जो भी कोण बनता है तो सरकम पे वो आधा बनता है केंद्र का, हाफ बनता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या बी ई को देखिएगा, BE एक जीवा है क्या, BE एक सर्कल का, एक वृत्त का जीवा है। अब BE से, इसी जीवा से देखिएगा, एक सेंटर पे बना का, ये देखिए BO और BO और EO, क्या ये केंद्र पे y डिग्री का कोण बना रहा है क्या, जीवा BE से BO और EO z है केंद्र पे बना रहा है। अब इसी जीवा से देखिए, BE से देखिएगा, बी से अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, इसी जीवा से अगर आप ध्यान दें तो क्या इसी जीवा से ये और क्या ये सरकम पे बन रहा है कौन, सेम जीवा से ये बना, सेम जीवा से बी से सेम जीवा पे, तो केंद्र पे जो भी बनेगा उसका क्या बनेगा, उसका हाथ आधा बनेगा, यानी ये एंगल कितना होगा जेड बाय टू होगा क्या, जेड बाई टू हो जाएगा। अब आप देखिएगा बी आई को, बी आई क्या है हमारा, बी आई इन सेंटर पॉइंट से मिला है, किसी सिर से चलकर इन सेंटर पॉइंट से मिला है, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्या, एंगल कोण समद्विभाजक होगा, अगर ये बी आई इस कोण को, कोण बी को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये कंप्लीट कोण कितना है एक्स डिग्री, तो ये कितना होगा, ये एक्स बाई टू होगा क्या, ये x by 2 होगा। अब मुझे एक पॉइंट और मुझे बता दी, ये तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए, दूसरा पॉइंट और, अभी ये कोई त्रिभुज है ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है ठीक है, ये बाह्य कोण है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इस कोण को मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं हम 4, इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, 4 मान लिए ठीक। अब मुझे ये 4 बाह्य कोण किसके बराबर होता है, आंतरिक अंदर के सामने वाले कोण के
योग के बराबर होता है। क्या होता है? कोण फोर बराबर क्या होगा? सामने वाले कोण के योग के बराबर होता है। कोण वन प्लस कोण टू होगा क्या? कोण वन प्लस कोण टू होगा। कोण फोर बराबर होगा कोण वन प्लस कोण टू। अब इसी का यूज करें आप यहां पे। अब आप यहां देखेंगे, आप देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल त्रिभुज बी ए आई में, बी ए आई में, त्रिभुज बी ए आई में आप देखें, त्रिभुज बी ए आई में बस इतना ही को आप देखेंगे। ये क्या बाह्य कोण होगा? क्या बाह्य कोण? बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अब बाह्य कोण किसके बराबर होगा? अंदर के सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर आप लिख सकते हैं x बाय टू प्लस z बाय टू लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हम इसका 2 का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस z, y बराबर क्या हो जाएगा x, y बराबर x प्लस z बाय टू। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर क्रॉस में लाए, इसको यहां ले जाए तो ये हो जाएगा x प्लस z बाय y बराबर 2 हो जाएगा क्या? तो x प्लस z बराबर y बराबर कितना होगा? 2। इसी का वैल्यू तो लाना था, तो आंसर हो जाएगा 2। आ गया होगा समझ में आपको। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 17 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं कि आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस वर्क के लिए दिया जाता है। पता नहीं आप लोग सॉल्यूशन करते भी हैं या नहीं, एक दो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, वो कमेंट करते हैं आंसर। आप लोग आंसर अगर आ जाए सॉल्यूशन किया करें और रिस्पांस दिया करें कि हाँ सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर सॉल्यूशन हो जाए तो आंसर को कमेंट किया करें, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और अगर कोई पार्ट वीडियो का समझ में नहीं आता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये पोर्शन ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आया है। वीडियो कैसा लगा हमेशा रिस्पॉन्स दिया करें। आया समझ? सपोज कीजिए कि कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और मान लीजिए कि कीबोर्ड से हम इंटर किए वो ए अगर हम इंटर किए तो क्या नोटपैड पे ए दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो हम क्या हो सकता है, या तो वो कीबोर्ड खराब है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अगर ए आउटपुट नहीं आ रहा है तो या तो कीबोर्ड खराब है या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो चुका है। आप मुझे बताएं कि हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, आप सॉल्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं। तो इनपुट दिया जाए तो आउटपुट तो मिलना चाहिए ना। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, कौन खराब है, आप मुझे बताएं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें और सॉल्यूशन करके आप कमेंट आंसर जरूर किया करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ सर्कम सेंटर। त्रिभुज एबीसी में ओ क्या है? परिकेंद्र है। त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र। एंगल बीएसी बराबर 85 डिग्री। एंगल बीएसी का मान दिया है 85 डिग्री। एंगल बीसीए इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंगल बीसीए कितना है? 75 डिग्री है। देन एंगल ओएसी, एंगल ओएसी कौन, ओएसी का मान आपको निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन में इन ट्रायंगल एबीसी, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल ए पी सी, इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी और इस वर्टेक्स को, इस शीर्ष को हम सी मान लेते हैं। कह रहा है ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ परिकेंद्र, ठीक है, हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं त्रिभुज के अंदर, वो कोई सर्कम सेंटर है, हम मान ली ये पॉइंट ओ सर्कम सेंटर है। अब एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी गिवन 85 डिग्री, अच्छा ये कोण दिया हुआ है 85 डिग्री, हम ले लेते हैं 85 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी ए, बी सी ए इज 75 डिग्री, ये कोण दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो आपसे पूछा ओ ए सी बराबर कितना होगा, कोण ओ ए सी, ओ ए
और सी, इट मींस ये कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण का वैल्यू कितना होगा आपसे ये पूछा गया। हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको हमेशा रिपीट करेंगे, इसी में से क्वेश्चन होगा या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम में हो सकता है। अब मुझे ओ ए सी निकालना है, तो आप मुझे ये बताएं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्या। अब ये मुझे बताएं दो कोण, कोण ए 85 और कोण सी 75 दिया हुआ है, कोण ए 85 और कोण सी 75, तो कोण बी कितना होगा, ये कोण कितना होगा, दोनों कोण का योग कीजिए माइनस कीजिए 180 से, तो 85 और प्लस 75 160 होगा क्या, दो कोण का योग एक 160 होगा, 180 माइनस 160 कीजिए तो कितना होगा 20, इसका मतलब कोण बी बराबर कितना होगा 20 डिग्री होगा क्या, कोण बी बराबर 20 डिग्री होगा। ओ को हम सी से मिला देते हैं, अब बी को भी हम ओ को सी से मिला दिए, तो आप मुझे ये बताइए इस पे एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना होगा, ये ओ सर्कम सेंटर है, तो आप मान लीजिए ए बी, ए सी को जीवा मान लीजिएगा क्योंकि ये सेंटर है तो कोई सर्कम का होगा, ए सी जीवा है, तो जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा उसका ये आधा होगा, और इसका यहाँ पे जो होगा इससे अगर देखना चाहे तो इससे दोगुना होगा, तो अगर हम दोगुना देखना चाहें इसका 2 times होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 होगा क्या, ये 40 हो जाएगा 40 डिग्री। अब मुझे देख करके बताइए त्रिभुज ए ओ सी में, आप देखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, आप ये मुझे बताइए ओ से ए, ये ओ ए क्या ओ सी बराबर होगा क्या, अगर ये सरकम होगा, सरकम होगा तो ओ ए सरकम रेडियस और ओ सी सरकम रेडियस दोनों बराबर होगा, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो आइसोसेल से रहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। आप एक बात मुझे बताइए एक त्रिभुज ए ओ सी में ओ कितना है 40 डिग्री है, तो दो कोण का योग कितना होगा, तो 180 माइनस 40 करेंगे तो कितना होगा 140। अब 140 को दो बराबर भागों में बांटिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, तो 140 को अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक में क्या मिलना है 70-70 जाएगा क्या, तो ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री, आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है इन अ PQR, त्रिभुज PQR में O इज अ सर्कम सेंटर, O क्या है परिकेंद्र है, त्रिभुज PQR में O परिकेंद्र है, इफ कोण QOR इज इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री, कोण OPR बराबर 25 डिग्री 25 डिग्री, देन कोण PRQ बराबर क्वेश्चन मार्क, PRQ का वैल्यू निकालना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में एक त्रिभुज है PQR, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक ट्रायंगल कह रहा है क्या PQR, तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं त्रिभुज PQR, कह रहा O इज अ सर्कम सेंटर, O परिकेंद्र, किसी एक पॉइंट में हम बीच में जा करके कहीं पे भी O हम सर्कम सेंटर बना लेते हैं, परिकेंद्र बना लेते हैं, ठीक है, ओ हम मान लीजिए इस पॉइंट को ओ है, ओ क्या है सर्कम सेंटर परिकेंद्र। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोण क्यू ओ आर बराबर 110 डिग्री, कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर, ये कोण का वैल्यू 110 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और कोण ओ पी आर, ओ पी आर बराबर 25 डिग्री, ओ पी आर, ओ पी आर, इसका मतलब ये कोण कितना है, ये है 25 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री। आप क्वेश्चन में कह रहा है कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू इस मीन्स ये एंगल आपको कंप्लीट निकालना है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये अगर हम मान लें ये पॉइंट सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर पे अगर मान लीजिए कि
एक सर्कम सेंटर है तो इस पे जो भी एंगल बनेगा, क्या इसका ये आधा होगा कोण पी पे? तो इसका ये हाफ होगा, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसका यहाँ क्या होगा, हाफ होगा। पढ़ चुके हम ज्योमेट्री पार्ट फोर में, हम पढ़ चुके इसका ये हाफ होगा। अब चूंकि एक वृत्त अगर बनाएंगे इसको सर्कम मान करके, तो ये एक जीवा हो जाएगा, जीवा से केंद्र पे जो भी कोण बनेगा इसी जीवा से सर्कम पर बनेगा, तो केंद्र का आधा होगा सर्कम पर। तो ये कितना होगा, ये कंप्लीट कितना होगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि ओ पी बराबर होगा ओ आर के, क्या ओ पी बराबर होगा ओ आर के? चूंकि ये ओ पी आर होगा सर्कम रेडियस, और ओ आर भी सर्कम रेडियस होगा। अब आप ट्रेंगल देखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज इसी त्रिभुज में देखेंगे पी ओ आर, इसी ट्रेंगल का बात कर रहे हैं पी ओ आर में। एक त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, आइसोसेल्स ट्रेंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का एक खासियत है कि उसके आमने सामने का कोण कितना होता है, बराबर होता है। अगर ये 25 है, इस वाले भुजा के सामने 25 है, तो इस सामने वाले भुजा के सामने कितना होगा, 25, ये कितना होगा, 25 डिग्री होगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का कोण कितना होता है, समान, भुजा के सामने का कोण कितना समान होता है। तो चूंकि इसके सामने 25 है, तो इस भुजा समान भुजा के सामने भी 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मुझे बताएं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप देखिए त्रिभुज पी ओ आर में, आप देखिएगा पी ओ आर में दो कोण पता है 25 और 25, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, दोनों का योग -180। तो 25 और 25, 50 180 -50 करेंगे तो कितना होगा, 130 डिग्री होगा क्या? ये कितना निकला, 130 डिग्री, कोई दिक्कत, ये एंगल 130 डिग्री निकल जाएगा। अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये सर्कम सेंटर है तो ये सर्कल होगा, ये सेंटर मान करके अगर हम सर्कम लेंगे तो पी और आर एक जीवा होगा क्या, पी आर एक जीवा होगा। इस जीवा से केंद्र पर कितना बन रहा है, 130, तो इसी जीवा से सर्कम पर कितना बनेगा, आधा बनेगा क्या, ये 65 डिग्री होगा क्या, इसका यहां जितना भी बनेगा उसका ये हाफ होगा, आधा होगा, 65 डिग्री होगा। अब आप देखेंगे ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल देखेंगे इसमें एक कोण 55 है, ये कोण 65 है, तो ये कोण कितना होगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्या? एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण हमको पता है, एक 65 है दूसरा 55 है, तो तीसरा क्या होगा, 180 -55 -65, तो कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट कोण कितना हो जाएगा, 55 + 65 120 120 -120, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर होगा 60 डिग्री, यह इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम सर्कम सेंटर पे आधारित जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, अब हम उसे आपको वर्क के लिए देते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं। आप उस क्वेश्चन का सभी लोग आप सॉल्यूशन करेंगे और आंसर को कमेंट जरूर करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो कृपया करके जितना भी क्वेश्चन आप होमवर्क दिया जाता है कोई भी पार्ट में, आप उसका सॉल्यूशन कर आंसर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अपने दोस्तों से मुझे मिलाना चाहते हैं तो शेयर करें, और चाहते हैं हमसे जुड़े रहना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू।